दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा फ्री डिश टीवी योजना की घोषणा की गई है। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए शुरू की जा रही है। फ्री डिश टीवी योजना के तहत 2024 में लगभग डीडी फ्री डिश के 2539 करोड़ रुपए खर्चा किया जाएगा डीडी फ्री डिश पर, और देश के गरीबों में जिस प्रकार से राशन बांटा जा रहा है उसी प्रकार से डीटीएच बांटा जाएगा। अब क्यों बांटा जाएगा, कब बांटा जाएगा, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आपने देखना स्टार्ट कर दिया है साहिल चैनलिस्ट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो को कीजिएगा जरूर लाइक, और चैनल पे आप हमारे नए हैं चैनल को जरूर कीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा फ्री डिश टीवी योजना की घोषणा की गई है। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए शुरू की जा रही है। फ्री डिश टीवी योजना 2024 के तहत सरकार की ओर से फ्री में डिश टीवी डीटीएच फ्री डिश टीवी दी जाएगी, जिसके लिए केंद्र सरकार ने 2539 यानी 2539 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य निश्चित किया है। बाइंड स्कीम 2024 के द्वारा यह योजना का विस्तार किया जाएगा। ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट बाइंड को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। यह योजना का विस्तार किया जाएगा जो डीडी फ्री डिश और एआईआर ऑल इंडिया रेडियो की दशा में सुधार करेगी। देखिए 2539 करोड़ जो रुपए हैं, सबसे पहले दूरदर्शन की जो हालिया स्थिति है उसको सुधार के लिए दिया जाएगा, प्लस जिसकी सहायता से जब इनको दिया जाएगा तो लोग अच्छी तरीके से समाचार, मनोरंजन और तमाम सारी चीजों को दूरदर्शन के द्वारा पहुंचाया जाएगा। और बाइंड स्कीम को सरकार ने साल 2025 और 26 के लिए जारी किया है। गरीब और जरूरतमंदों के लिए यह योजना खबरों और मनोरंजन के लिए लाभदायक होगी। दोस्तों इस योजना का उद्देश्य समझते हैं। दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो की हालत में सुधार के लिए केंद्र सरकार ने इस स्कीम को शुरू किया है। भारत सरकार के द्वारा योजना का आरंभ मुख्य उद्देश्य दूर दराज और सीमावर्ती इलाके के नागरिकों को डीटीएच की सुविधा प्रदान करना है, और देश की वर्तमान समय की जानकारी इन सभी नागरिकों को उपलब्ध कराई जा सके। इस योजना के लिए जो आवेदन करेगा उसे मनोरंजन की सुविधा प्राप्त करने के लिए कोई भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। फ्री डिश टीवी योजना के माध्यम से देश के सभी नागरिकों को शिक्षा, सूचना, मनोरंजन के क्षेत्र में आसानी से जानकारी प्राप्त हो सकेगी। सरकार की ओर से जो ये पहल की गई है बहुत अच्छी की गई है, और ये जल्द से जल्द शुरू हो जाए 2025 और 26 में। और साथ ही बताते चलें, आप लोगों को अगर कोई इसका पात्र बनता है, किसी को कोई फॉर्म वगैरह भरता है और उसका आवेदन जो होता है वो उसको मिलने का पूरा आसार हो जाता है, उसको मिलने के लिए जो आवेदन है वो स्वीकार कर लिया जाता है, तो दोस्तों याद रखिएगा उसको HD बॉक्स ही मिलेगा, MPG2 नहीं मिलेगा, क्योंकि HD बॉक्स में ही एजुकेशनल शिक्षा से जुड़े हुए तमाम सारे टीवी चैनल हैं, जैसे DDE विद्या और बहुत सारे जो चैनल्स हैं DD वाले जिसपे एजुकेशनल प्रोग्राम आते हैं वो देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों कुल मिला जुला के DD दूरदर्शन का ये पहल बहुत ही अच्छा मुझे लगा, और आप लोगों की क्या राय है, अगर आप इसके पात्र हैं तो कमेंट जरूर कीजिए। अगली वीडियो में बताएंगे कैसे आपको अप्लाई करेंगे।